वो इची स्कैल्प और व्हाइट फ्लेक्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ की, जो हमारे हेयर केयर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो आज हमें उसे डील करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। रीजंस तो कई सारे हो सकते हैं डैंड्रफ होने के। हो सकता है कि हेयर स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्राई है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली है, या फिर जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है एलर्जिक हो आप किसी प्रोडक्ट से। रीज़न कुछ भी हो सकता है। वैसे डैंड्रफ दूर करने के तो बहुत सारे रेमेडीज हैं, अगर सारे रेमेडीज आज बताऊं तो शायद 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इस रेमेडी पर। और आज हम बात करेंगे एसेंशियल ऑयल्स की। जी हाँ, एसेंशियल ऑयल्स वैसे कई सारे हैं, जैसे कि आपका रोजमेरी ऑयल हो गया, सीडर वुड ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल, थाइम, टी ट्री, पेपरमिंट, कई सारे हैं, बट आज हम फोकस करेंगे सिर्फ दो पर। सबसे पहला है टी ट्री ऑयल। इसमें है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और यही प्रॉपर्टीज हेल्प करती हैं आपकी स्किन, हेयर, नेल्स को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। और दूसरा है फ्रैंकिंसेंस ऑयल। इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपके इची स्कैल्प को दूर करने में बहुत मदद करता है। अब बात आती है इन दोनों एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कैसे करना है। जी नहीं, इन दोनों ऑयल्स को कभी भी अपने स्कैल्प या फिर अपने स्किन में डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इसे हम हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में ही यूज करेंगे। इसे एक और एक कैरियर ऑयल भी चाहिए होता है। तो अब इस कैरियर ऑयल का क्या मतलब है? कैरियर ऑयल यानी इसका काम ही होता है, जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह जो भी आप इसमें डाइल्यूट करते हैं वो कैरी करता है आपकी स्किन तक, वो अच्छे से एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो कौन कौन से कैरियर ऑयल हमें यूज करना है डैंड्रफ के लिए? आप अपने पसंद का कोई भी कैरियर ऑयल यूज कर सकते हैं इस डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी, जैसे कि आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास हो अवेलेबल आराम से वो आप यूज करें। तो आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगी एसेंशियल ऑयल यूज करने का। पहला ऑयलिंग, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और इसके बाद और दो शॉर्टकट ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। मैंने आज के इस रेमेडी में कोकोनट ऑयल यूज किया है, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है और हर तरह के बालों में ये सूटेबल भी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 कप कोकोनट ऑयल लिया है। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है टी ट्री प्योर एसेंशियल ऑयल, और आप चाहें तो फ्रैंकिंसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप के हिसाब से लगभग 4 to 5 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स किया है। इस हेयर ऑयल को आप नॉर्मल जैसे भी हेयर ऑयलिंग करते हैं उसी तरह से लगाएं। आप चाहें तो कॉटन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली अपने हाथों से अच्छे से स्कैल्प में मसाज करें। लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद इस हेयर ऑयल को अपने बालों में हो सके तो पूरी रात रहने दें, या फिर मिनिमम 2 घंटे तक रखें और फिर शैम्पू कर लें। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है आज के शॉर्टकट मेथड की। इसमें हम बनाएंगे विनेगर हेयर रिंस। पर सीडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ब्रैक का ऑर्गेनिक का ब्रांड यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रांड अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस हेयर रिंस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल। इस बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप एप्पल सीडर विनेगर। इसमें मैं ऐड करूंगी हमारा एसेंशियल ऑयल
इस बार मैंने यूज़ किया है फ्रैंकिंसेंस प्योर एसेंशियल ऑयल। आप चाहें तो अपनी पसंद का दूसरा कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। प्री जो इससे पहले मैंने दिखाया था आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें लगभग डालूंगी 4 to 5 ड्रॉप्स। और आप चाहें तो जो बताया था मैंने टी ट्री के बारे में, तो आप टी ट्री ऑयल और फ्रैंकिंसेंस दोनों भी मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसे हम डाइल्यूट करेंगे 1.5 कप पानी मिलाकर। तो ये बस इतना ही, इसे हमने अच्छे से इसको आप थोड़ा हिला लें, मिक्स कर लें। तो इस रिंस को आपको यूज़ कैसे करना है, आप जैसे नॉर्मल अपना शैम्पू करते हैं शैम्पू कंडीशनर के बाद आप इस रिंस को यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड ये एडिशनल शाइन भी देता है डैंड्रफ भगाने के साथ साथ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर पर। और दूसरा जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल शैम्पू है, जैसे कि ये मेरा नॉर्मल शैम्पू है, मैं इसे जब यूज़ करूँगी तो एक बोल में जितना भी मुझे यूज़ करना होगा 1 टेबल स्पून अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मैं इसमें अपना शैम्पू निकालूँगी। और इस शैम्पू में मैं अपना ये एसेंशियल ऑयल मिक्स करूँगी। लगभग अगर आप 1 टेबल स्पून अगर लेते हैं तो इसमें वही 3 से 4 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल मिला के आप अपने बालों में लगा सकते हैं। फिर जैसे ही आप वॉश करते हैं नॉर्मली, वैसे ही अपने बालों को वॉश करें और कंडीशन करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ये था मेरा आज का पहला वीडियो जो डैंड्रफ ट्रीटमेंट पे है, और ऐसे कई सारे डैंड्रफ ट्रीटमेंट की वीडियोस मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे सारे वीडियोस आप अच्छे से देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।